बहुत बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि उमड़ी भीड़ से पंजाब की सियासत गरमा सकती है। बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल घेराव कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का, जिसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गर्डीस और पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल कर रहे हैं। वैक्सीन और छात्रवृत्ति जैसे कई मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। पंजाब की सियासत से बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उमड़े हैं यहाँ पर, कैप्टन सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के गठबंधन के बाद ये पहला रोष प्रदर्शन सामूहिक आंदोलन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रही है। पंजाब की सियासत से बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सुखबीर सिंह जी बादल और जसवीर सिंह गड्डी के नेतृत्व में यह आंदोलन आपको बता दें कि चल रहा है। वैक्सीन छात्रवृत्ति सहित कई सारे मामलों को लेकर आपको बता दें कि आंदोलन चल रहा है। अंबेडकर पीपल्स वॉइस पर आप ये तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि नक्षत्रपाल से लेकर बहुजन समाज पार्टी के बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल के भी बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कांग्रेस सरकार की नींद उड़ा दी है। बड़ी संख्या के अंदर आपको बता दें कि कार्यकर्ता पहुंचे, दोनों पार्टियों के बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता मौजूद है। और इस वक्त आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से जो है लगातार कार्यकर्ता पहुंचे हैं, श्रोमणी अकाली दल की तरफ से कार्यकर्ता पहुंचे बड़ी संख्या के अंदर। यह आंदोलन देखकर आज कांग्रेस सरकार और अकाली दल की ताकत यहां पर देखने को मिल रही है, सियासी ताकत देखने